मथुरा में पूर्व विधायक अजय पोया का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। अजय पोया गोवर्धन क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके थे। बता दें कि कुछ वक्त पहले हुए हादसे के बाद से अजय पोया अस्वस्थ चल रहे थे, इसी बीच दिल का दौरा उन्हें पड़ गया। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वहीं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पूर्व विधायक के निधन पर शोक जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अजय पोया का निधन बीजेपी के लिए बड़ी क्षति है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता कन्हैया का। कन्हैया, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी क्षति? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी क्षति है जो शायद आने वाले समय में कभी भारतीय जनता पार्टी की क्षति पूरी ना हो पाए, क्योंकि एक कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता के तौर पर अजय कुमार पोया को देखा जाता है। अजय कुमार पोया नीचे से ऊपर उठने वाले ऐसे कार्यकर्ता है जिन्हें इनकी वजह से स्थान दिया गया पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में दो बार विधायक रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया और जनता ने इनको असेंबली भेजा और काफी मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर इनको देखा जाता था। बिल्कुल साधारण रूप में, कहीं कोई ऐसा गुरु नहीं, बिल्कुल लोगों से मिलते जुलते रहना, समय समय पर उनके पास जाना, हर दुख और दर्द में लोगों के साथ जुड़े रहना, बहुत अच्छे नेता के तौर पर और इंसान के तौर पर उनको देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी क्षति है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इस पर दुख जताया है और साथ ही साथ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके जो घर पर पहुंच रहे हैं, तो एक बड़ी हृदयविदारक घटना है जिस तरीके से एक भाजपा नेता जो पूर्व में दो बार विधायक रह चुके हैं और उनका एक अकस्मात तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पूर्व विधायक अजय पोया का निधन हो चुका है।